हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीर। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है शेरलॉक होम्स द एडवेंचर ऑफ थ्री स्टूडेंट्स पार्ट वन। तो बात करते हैं सन 1895 की। उस वक्त इत्तेफाक से मुझे और शेरलॉक होम्स को अपने देश की महान यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों तक रहना पड़ा। उस समय मेरे सामने एक अजीबोगरीब घटना आई जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। इस कहानी के अंदर मैं लोगों और स्थान का परिचय नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह दुख भरी दास्तान खामोशी के साथ दब जाए, वरना इस घटना से जुड़े लोगों को बेकार का मानसिक क्लेश होता रहेगा। मैं अपने दोस्त की विलक्षण प्रतिभा को भारने के लिए ही इस घटना का वर्णन करने जा रहा हूं। बात उन दिनों की है जब हम लाइब्रेरी के पास एक आलिशान घर में रह रहे थे। एक दिन शाम को मिस्टर हिल्टन सोमेश नामक एक परिचित मिलने आया। वो कॉलेज ऑफ सेंट ल्यूक में शिक्षक तथा लेक्चरर था। मिस्टर सोमेश लंबा चौड़ा और नर्वस किस्म का जल्दी उत्तेजित हो जाने वाला आदमी था। उसे मैंने हमेशा ही बेचैन देखा, लेकिन उस रोज वह कुछ ज्यादा ही परेशान था। मुझे वो अपने आपे में नहीं लग रहा था। साफ पता चलता था कि कोई ना कोई अप्रत्याशित बात जरूर हुई है। मुझे यकीन है मिस्टर होम्स कि आप मुझे अपने कीमती समय में से कुछ वक्त देंगे। हमारे कॉलेज में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घट गई है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर आप यहाँ हैं, वरना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इस वक्त तो मैं बहुत ही मशरूफ हूँ, किसी भी तरह का व्यवधान नहीं चाहता, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बदले पुलिस की मदद लें। नहीं हुजूर, ऐसा करना तो एकदम असंभव है, लेक्चरर ने व्याकुलता के साथ कहा। अगर एक बार कानून की सहायता ली तो फिर इस खबर को फैलने से नहीं बचाया जा सकता। कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए इस खबर को दबाना ही होगा, ताकि कोई स्कैंडल ना खड़ा हो। आप सिर्फ एक माने हुए जासूस ही नहीं, बल्कि एक समझदार मानवतावादी भी हैं। इसलिए दुनिया में सिर्फ आप ही अकेले ऐसे आदमी हैं जो इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मिस्टर होम्स आप मेरी मदद करें। मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि वह अपने बेकर स्ट्रीट वाले चिरपरिचित परिवेश से दूर था, जहाँ न उसकी नोटबुक थी और न उसके केमिकल्स, जिसके बिना वह एक परेशान सा और दुखी आदमी था। इसलिए उसने लाचारी के साथ अपने कंधे झटक दिए। जबकि हमारा मुलाकाती आदमी अपनी उत्तेजित सी हालत में जल्दी जल्दी बोलता हुआ हमारी कहानी सुनने लगा। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। कल मिस्टर होम्स फोटोस्कू स्कॉलरशिप की पहली परीक्षा है। परीक्षकों में से एक मैं भी बड़ा हूँ। ग्रीक मेरा सब्जेक्ट है और पहले पर्चे में ही ग्रीक अनुवाद का एक बड़ा सा अध्याय है जो किसी कैंडिडेट ने नहीं देखा हुआ। लेकिन इस बात का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन पेपर में छपे इस अध्याय का पता किसी स्टूडेंट को पहले लग जाए तो उसे तैयारी करने में आसानी होगी। इसलिए पेपर को बड़ी सावधानी के साथ छुपा कर रखा जाता है, ताकि किसी को पता ना चले। लगभग 3 बजे आज ये पेपर के प्रूफ प्रिंटर के यहाँ से आए हैं। मुझे उन्हें बड़ी सावधानी से पढ़ना था, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती या अशुद्धि ना रह जाए। 4:30 बजे तक भी मेरा काम पूरा ना हुआ, मगर मैंने उसे वक्त अपने दोस्त के साथ चाय पीने का वादा किया हुआ था, इसलिए वो प्रूफ मैं टेबल पर रखकर चला गया। लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त मुझे वहां लगा। आप तो जानते ही हैं मिस्टर होम्स कि हमारे कॉलेज में दरवाजे डबल लगे हैं। अंदर की तरफ हरे बनात का दरवाजा है और बाहर की तरफ भारी ओक का। जिस समय वापस लौटकर मैं गहरे भारी दरवाजे के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें एक चाबी लगी हुई है। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी चाबी भूल गया था, मगर जब मैंने अपनी जेब देखी तो चाबी वहां थी। जहां तक मुझे पता है, दूसरी चाबी मेरे नौकर बैनिस्टर के पास रहती है। वो पिछले 10 सालों से मेरी देखरेख कर रहा है। इसके साथ ही बड़े भरोसे का आदमी है। उसकी ईमानदारी पर किसी तरह का कोई शक नहीं किया जा सकता। मुझे मालूम हो चुका था कि चाबी उसी की थी और वह मेरे कमरे में चाय लेकर आया था, और जिस वक्त वह बाहर गया तो भूल से ही अपनी चाबी दरवाजे में लगी छोड़ गया। उसकी यह भूल पहले मौके पर महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर दी जाती थी, क्योंकि उससे पहले उसने कोई नुकसान नहीं किया था। लेकिन आज के दिन तो उसकी एक जरा सी भूल नहीं बड़े सोचने हालात पैदा कर दिए। उसकी यह हरकत नजरअंदाज करने लायक नहीं थी। जिस वक्त मेरी नजर पड़ी उसी पल मुझे पता चल गया कि किसी ने मेरे कागजों के साथ छेड़छाड़ की है। सबूत के तौर पर वे लंबी 3 पर्चियां जिन्हें मैं एक अच्छी तरह सहेज कर गया था वे बिखरी हुई थी। एक फर्श पर पड़ी थी, एक खिड़की की साइड वाली मेज पर पड़ी थी, और तीसरी वहीं थी जहां मैं छोड़कर गया था। मैं समझ गया कि छेड़छाड़ हुई है। होम्स ने पहली बार हरकत की। तुम्हारा कहने का मतलब है कि पहली पर्ची फर्श पर पड़ी थी, दूसरी खिड़की की साइड वाली मेज पर, और तीसरी वहीं थी जहां तुम छोड़कर गए थे, उसने कहा। बिल्कुल ऐसा ही था मिस्टर होम्स, आपने तो मुझे हैरान कर दिया
कैसे जान लिया आपने ये सब? उसे छोड़िए और अपने दिलचस्प वर्णन को चालू रखिए। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि शायद बैनिस्टर ने मेरे कागजातों को देखने और उनसे छेड़छाड़ करने का गंभीर अपराध किया है, लेकिन उसने इस इल्जाम से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया और मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि वह सच कह रहा है। इन हालात में सिर्फ यही सोचा जा सकता था कि कोई उधर से गुजर रहा था और चाबी उसे दरवाजे में लगी दिखाई दी। उसे यह भी पता था कि मैं बाहर गया हूँ, बस वह मौका देखकर अंदर घुस गया। फिर उसने एग्जाम के पेपर को देखा। यह स्कॉलरशिप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत मोटी रकम दांव पर लगी हुई थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने साथ साथी से आगे जाने के लिए किसी भी तरह का खतरा मोल ले सकता है। बैनिस्टर इस घटना से बहुत परेशान हो गया जब उसे पता चला कि प्रश्न पत्रों से किसी किस्म की छेड़छाड़ की गई है और दोषी उसे समझा जा रहा है, तो वह लगभग बेहोश ही हो गया था। उसको मैंने थोड़ी सी ब्रांडी दी और एक कुर्सी पर उसे निढाल सा पड़ा छोड़कर कमरे का बड़े ध्यान से जायजा लिया। जल्दी ही मैंने जान लिया कि कमरे में अनुचित ढंग से घुसने वाले घुसपैठिए ने बिखरे हुए पेपर्स के अलावा अपनी उपस्थिति के कुछ और भी निशान छोड़े हैं। खिड़की के पास वाली टेबल पर पेंसिल को तेज करने की कोशिश की गई थी क्योंकि वहां पेंसिल की छीलन पड़ी हुई थी, लीड का टूटा हुआ एक टुकड़ा। साफ जाहिर है कि उस बदमाश ने जल्दी जल्दी प्रश्न पत्र की कॉपी करने की कोशिश की और इस चक्कर में उसकी पेंसिल की नोक टूट गई, लिहाजा उसे पेंसिल को फिर से छीलने का मजबूर होना पड़ा। बहुत खूब, जैसे जैसे होम्स की इस केस में दिलचस्पी बढ़ती गई वैसे वैसे उसका खोया हुआ उत्साह वापस लौटने लगा और वह बोला, लगता है सौभाग्य का देवता तुम पर बहुत प्रसन्न है। अभी आगे भी सुनिए, मिस्टर सोमेश ने गुस्से में कहा। मैंने लिखने की एक नई मेज ली है जिसकी सतह पर बहुत सुंदर शानदार किस्म का चमड़ा चढ़ा हुआ है। मुझे मालूम है और बैनिस्टर ने भी यह बात कसम खाकर कही कि चमड़े की वह सतह इतनी साफ और बेदाग थी कि उस पर कोई मामूली सा धब्बा तक नहीं था, कोई स्क्रैच तक नहीं था, मगर अब उसमें 3 इंच लंबा एक क्लीन कट लगा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, मेज पर मुझे काली मिट्टी की गेंद सी मिली जिसमें बुरादे की चित्तियां सी चिपकी हुई थी। मुझे यकीन है कि यह सब निशान उसी व्यक्ति ने छोड़े हैं जिसने मेरे कागजात के साथ छेड़छाड़ की है, और इसके अलावा न कोई कदमों के निशान मिले और न कोई और निशान जिसके साथ उस घुसपैठिए के बारे में कुछ मालूम हो सकता। मैं उस वक्त निराशा के गहरे समुद्र में डूबा हुआ था कि जब सौभाग्य से मुझे अचानक याद आया कि आप तो इन दिनों इसी शहर में ठहरे हुए हैं, इसलिए मैं ये उम्मीद लेकर आपके पास चला आया कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आप मेरी मुश्किल को समझ सकते हैं मिस्टर होम्स, या तो उस बदमाश का पता चल जाए या फिर इम्तिहानों को मुलतवी किया जाए जब तक कि नए पेपर्स तैयार नहीं हो पाते, मगर यह काम बिना अपनी सफाई दिए नहीं किया जा सकता। यह भी हो सकता है कि इतनी सी बात को एक बहुत बड़े स्कैंडल का रूप दिया जाए। ऐसा होता है तो मेरी ही नहीं पूरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा मामला बड़ी खामोशी के साथ चुपचाप सुलझा दिया जाए। यह काम आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता, मुझे आपकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी। होम्स ने खड़े होकर अपना ओवरकोट पहनते हुए, वैसे भी यह केस दिलचस्पी से खाली नहीं है, जब पेपर्स के प्रूफ आपके पास पहुंचे थे तो उस वक्त क्या कोई आपसे मिलने के लिए कमरे में आया था? जी हाँ आया था, उसका नाम दौलत राम है और वह यहाँ का विद्यार्थी है जो कि हिंदुस्तानी है। वह यहाँ मुझसे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पूछने या फिर बातचीत करने के लिए आया था, वह भी स्कॉलरशिप का इम्तिहान दे रहा है। जी हाँ, उस समय पेपर्स आपकी टेबल पर थे? जहाँ तक मेरा ख्याल है पेपर्स यहीं रखे हुए थे और वह उस समय रोल हुए रखे थे, लेकिन यह तो पहचाना जा सकता था कि वे रोल किए हुए जो रखे हैं वो प्रश्न पत्र ही हैं शायद। और कोई आपके कमरे में आया था? जी नहीं। क्या किसी और व्यक्ति को भी इस बारे में मालूम था कि प्रूफ आने वाले हैं आपके पास? प्रिंटर के अलावा ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी, वही जानता था कि प्रूफ आने वाले हैं। क्या आपके नौकर बैनिस्टर को यह बात मालूम थी कि इस वक्त प्रूफ आपके पास हैं? जी नहीं। बैनिस्टर इस वक्त कहाँ है? उस बेचारे गरीब की तो बहुत बुरी हालत है, मुझे आपके पास आने की जल्दी थी इसलिए मैं उसे एक कुर्सी पर ढाल सा छोड़ आया। वह तो बेचारा खुद ही बुरी हालत में है। इसका मतलब है कि तुम अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर आ गए थे, लेकिन आने से पहले मैंने सभी पेपर्स को अच्छी प्रकार सावधानी से ताले में बंद कर दिया था। तुम्हारे बयान से पता चलता है मिस्टर सोमेश के अगर उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट ने उस रोल को एग्जामिनेशन पेपर्स के प्रूफ के रूप में नहीं पहचाना तो जिस आदमी ने भी उनसे छेड़छाड़ की वह केवल संयोगवश ही उन तक पहुंच गया। होम्स ने कहा बिना यह जाने कि वह वहां मौजूद है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, सोमेश बोला। ठीक है, होम्स ने कहा, चलकर देखते हैं। यह एक ऐसा केस है वॉटसन कि जिसमें तुम्हारी शारीरिक ताकत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी
उसे हल करने के लिए दिमाग की ताकत की जरूरत है। अगर तुम साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। चलिए मिस्टर सोमेस, अब मैं पूरी तरह आपके अधिकार में हूँ। हमारे क्लाइंट के सिटिंग रूम की एक खिड़की उस पुराने कॉलेज के एक शैवाल युक्त मैदान की तरफ खुलती है। एक गोथिक टाइप की मेहराबदार दरवाजे से होकर हम पत्थर की घिसी पुरानी सीढ़ियों तक पहुंचे। ग्राउंड फ्लोर पर लेक्चरर का कमरा था, उससे ऊपर तीन विद्यार्थियों के कमरे बने हुए थे, एक के ऊपर एक। उस समय पूरी तरह झुटपुटा सा छाया हुआ था। जब हम इस समस्या की सच्चाई के घटनास्थल तक पहुंचे, अचानक होम्स रुका और उसने खिड़की की तरफ गौर से देखा। फिर वह उसके निकट गया और पंजे के बल खड़े होकर और अपनी गर्दन को सारस की तरह लंबी करते हुए उसने कमरे के अंदर झांका। वह निश्चित रूप से दरवाजे से ही दाखिल हुआ होगा, मिस्टर सोमेश बोले, क्योंकि इधर तो कोई सुराख तक नहीं है सिवाय उस टूटे हुए कांच के। शायद आप ठीक कह रहे हैं, होम्स ने कहा, लेकिन कहते समय वह हमारे साथी की तरफ एक चटती सी दृष्टि डालता हुआ बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, अगर यहां से कुछ नहीं जाना जा सकता तो अभी घर चलना ही ठीक है। लेक्चरर ने बाहर का ताला खोला और हमें अंदर ले गया। हम अभी दरवाजे पर ही थे जब होम्स ने फर्श पर पड़ी हुई कालीन का गहराई से जायजा लिया। इस पर तो किसी तरह के कोई निशान नहीं है, होम्स ने कहा, बरसात के दिन होते तो निशान जरूर पड़ते, लेकिन ऐसे खुले मौसम में मुझे किसी किस्म के निशान मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। तुम्हारा नौकर नहीं दिखाई दे रहा, लगता है उसकी हालत काफी संभल गई है और वह यहां से चला गया। तुम उसे कुर्सी पर बैठा छोड़ गए थे, तुमने यही बताया था ना। कौन सी कुर्सी थी? वहां उस खिड़की के पास। समझ गया, एक छोटी सी मेज के पास। अब तुम लोग आ जाओ, मैंने कारपेट का जायजा ले लिया है, पहले हम मेज का निरीक्षण करेंगे। जो कुछ भी यहां हुआ वह सब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। वह घुसपैठिया कमरे में आया और उसने बीच की मेज पर से प्रश्न पत्र उठाए एक एक करके और उन्हें खिड़की के निकट ले गया, क्योंकि वहां से वह तुम्हें मैदान से आता हुआ देख सकता था और जान बचाकर भाग सकता था। ओह, तो यह बात है, इसलिए वह खिड़की के पास खड़ा हुआ था। पर्चियों पर उंगलियों के निशान नजर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पर पहले इस पर्ची को वहां ले गया, दूसरी पर्ची उठाकर उसकी भी नकल करने लगा। वह उसकी नकल कर ही रहा था कि तुम्हारी वापसी ने उसे जल्दी भागने पर मजबूर कर दिया। उसे इतनी जल्दी भागना पड़ा कि उसे पर्चियों को पहले जैसी स्थिति में रखने का मौका ही नहीं मिल सका, और इस प्रकार तुम जान गए कि कोई यहां आया था। वैसे जब तुम्हारी भारी दरवाजे से अंदर घुसे तो तुम्हें किसी के तेजी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनाई दी थी? जरा ध्यान से सोचकर बताओ। नहीं, मुझे किसी के आने की आवाज नहीं सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि उस समय वह यहां था। खैर, वह इतनी तेजी से लिख रहा था कि उसकी पेंसिल टूट गई, और जैसा कि छिलकों को देखकर तुमने भी अनुमान लगाया था कि उसने फिर से छीला, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह पेंसिल साधारण पेंसिल नहीं थी, आम पेंसिलों से काफी बड़ी थी और इसका सिक्का भी काफी नरम था। रूपहली अक्षरों में बनाने वाली कंपनी का नाम छपा था। उसकी लकड़ी पर नीला रंग फेरा हुआ था और इस्तेमाल करते रहने की वजह से उसका जो टुकड़ा बचा था वह 1.5 इंच का था। इस प्रकार की पेंसिल की तलाश करो मिस्टर सोमेस, और फिर तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी तलाश को मैं और भी ज्यादा आसान कर देता हूं, यह बताकर कि जिस चाकू से उसने पेंसिल छीली थी वह काफी बड़ा था। उसकी धार भी कुछ ज्यादा तेज नहीं थी, वह बिना धार का चाकू था। इस जबरदस्त इंफॉर्मेशन ने मिस्टर सोमेश को कुछ चमत्कृत सा कर दिया। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, उनका स्वर विस्मित था। इतनी जरा सी देर में आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया? मैं तो हैरान हूं, होम्स ने छोटा सा छिलका उसे दिखाते हुए कहा। क्या दिखाई दे रहा है तुमको? क्या देखना चाहिए मुझे? पलटकर सोमेश ने जवाब दिया। वाटसन, उसे मुखातिब करने की बजाय होम्स ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, NN के ये दो अक्षर लिखे हुए हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? शायद तुम्हें मालूम होगा, पेंसिल निर्माताओं में जौहर फेवर का नाम सभी लोग जानते हैं। विशिष्टता है कि खातिर वह जोहन में NN लगाता है। क्या इस छिलके को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस NN की समाप्ति के बाद कितनी बड़ी पेंसिल बची होगी? उसने छोटे टेबल को थोड़ा सा बिजली की रोशनी की तरफ घुमाया। मैं सोच रहा हूं, जिस पर लिख रहा था अगर वह पतला होता तो इस मेज की पॉलिश की हुई सतह पर दबाव का कोई ना कोई निशान जरूर उभरता, मगर इस पर मुझे कोई निशान नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है कि यहां अब इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल सकती। अब उस बीच वाली मेज को देखते हैं। इस पिरामिड जैसी आकृति के छोटे से मिट्टी के ढेले के बारे में जो तुमने मुझे बताया था, उसी के मुताबिक इस पर बुरादे के कण भी चिपके हुए हैं। वाह, क्या बात है, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। और यह मेज पर बड़े चमड़े में जो चीरा लगाए हैं,
जो शुरू में जरा सा स्क्रैच और बाद में चीरा सा है, यानी बिल्कुल कट गया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ मिस्टर सोमेस कि आपकी वजह से मुझे इस बेहद दिलचस्प केस पर काम करने का मौका मिला। इस दरवाजे के पीछे क्या है? मेरा बेडरूम। इस घटना के घटने के बाद क्या तुम इसके अंदर गए थे? नहीं, मैं इसके अंदर नहीं गया था। मैं घटना के घटते ही फौरन तुम्हारे पास पहुंच गया था। मैं उसे एक नजर देखना चाहता हूँ, होम्स ने कहा, और फिर बेडरूम में घुसकर बोला, कितना खूबसूरत और पुराने ब्रिटिश अंदाज का बेडरूम है। मैं जब तक इसके फर्श का जायजा न ले लूं, तब तक आप लोग मेहरबानी करके बाहर ही रहिए। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, आ जाइए आप लोग। इस पर्दे के पीछे क्या है? तुम शायद इसके पीछे अपने कपड़े टांगते हो। अगर किसी आदमी को इस कमरे में छिपने के लिए मजबूर होना पड़े तो वह निश्चित रूप से इसके पीछे ही छिपेगा, क्योंकि तुम्हारा पलंग बहुत नीचा है और अलमारी में भी खड़े होने की जगह नहीं है। मगर इस वक्त पर्दे के पीछे कोई नहीं होगा। होम्स ने पर्दा खींच दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है।